ग्वालियर के हुरावली पर अपने ही गैराज में कार के अंदर एक गैराज संचालक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना रविवार रात की है। मृतक मौत से कुछ देर पहले ही तिघरा से पिकनिक मनाकर घर लौटा था, लेकिन अचानक उसने यह कदम क्यों उठा लिया यह कोई नहीं समझ पा रहा। मृतक ने मौत से पहले पत्नी से बात की थी। घटना का पता उस समय लगा जब मृतक का एक दोस्त उसकी पत्नी को यह बताने आया कि पति उसे बुला रहा है। पत्नी गैराज पहुंची तो घटना का पता लगा। तत्काल घायल को मुरार जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक पर कर्ज होने और एक कर्जदार द्वारा उसकी दो लग्जरी कार छीन कर ले जाने का पता लगा है। पुलिस ने सबको निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शहर के कुम्हारपुरा निवासी 35 वर्षीय आशीष राठौर पुत्र हरि सिंह राठौर गैराज संचालक हैं। सिरोल के हुरावली स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पास उसका राठौर गैरेज नाम से गैराज है। आशीष ने करीब 8 साल पहले लव मैरिज की थी। उसके दो बच्चे हैं। बेटा केंद्रीय विद्यालय में 2nd क्लास में पढ़ता है, बेटी छोटी है। आशीष पर कुछ समय से कर्ज था, जिसके चलते एक कर्जदार लगातार उसे परेशान कर रहा था। वह उसकी दो लग्जरी कार भी छुड़ा कर ले गया था। इसके बाद से वह काफी डिप्रेशन में था। रविवार को मौसम अच्छा था तो आशीष अपने कुछ दोस्तों के साथ तिघरा पिकनिक मनाने गया था। हालांकि घर पर किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। यह उसकी मौत के बाद उसके दोस्तों ने बताया है। तिघरा पर पिकनिक मनाकर लौटने के बाद वह घर ना आते हुए सीधे गैराज पर पहुंच गया। यहां उसने डेटिंग के लिए आई एक कार में बैठकर खुद को गोली मार ली। घटना का पता उस समय लगा जब मृतक का एक दोस्त घर आया और आशीष की पत्नी से कहा कि आशीष उसे बुला रहा है। पत्नी गैराज पहुंची तो पति कार में लहूलुहान मिला। उसके बाद उसे जिला अस्पताल मुरार लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको निगरानी में लेकर डेड हाउस में रखवा दिया। रविवार रात को सबको स्पॉट से अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद पुलिस ने स्पॉट राठौर गैराज को सील कर दिया था। सोमवार को पुलिस पोस्टमार्टम करने के बाद स्पॉट पर जाकर जांच करेगी। इसमें उस कार की बारीकी से छानबीन की जाएगी। आशीष ने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने से पहले पत्नी से बात की थी। मौत से करीब आधा घंटे पहले उसने पत्नी को कॉल किया था, उसे गैराज पर होने की बात कही, साथ ही बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा था। इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली थी। परिजन से उसके कर्ज में होने का पता लगा है। एक कर्जदार उसकी लग्जरी कार भी छुड़ा कर ले गया था। ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य योजना समिति सदस्य कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव बाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त नागपंचमी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ग्राम पंचायत नवस्था की तरफ से समस्त जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित
सरपंच अनिश सिंह नमस्ते। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जुगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व मैनेजिंग डायरेक्टर दीपचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी फैजान खान डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी पत्नी किशन द्विवेदी ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेंद्र सिंह, अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राष्ट्रांत। हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध्य के युवाओं को, विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे। ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आजादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक आशा नमकीन, घर घर की पसंद, मन पसंद प्रोडक्ट, नियर बाणगंगा तिराहा, वार्ड नंबर 15, शहडोल, मध्य प्रदेश। थाना प्रभारी सलेहा जिला पन्ना अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज मिश्रा, रोजगार सहायक, पंचायत भुलगवा।